नहीं हो किसी से कम, तुम नहीं हो किसी से कम, स्वयं का सम्मान करो, सर उठाकर चलो इस कपटी दुनिया में, सर उठाकर चलो इस कपटी दुनिया में, अपने इष्ट का अभिमान करो, चिंता मत करो हर इच्छा होगी पूरी, चिंता मत करो हर इच्छा होगी पूरी, भगवान पर रखो भरोसा और सही समय का इंतजार करो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका फरवरी महीने के राशिफल में। चलिए आज जानते हैं कि फरवरी महीने में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से नई सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से त्योहार इस महीने में विशेष पड़ रहे हैं। सबसे पहले शटिला एकादशी 6 फरवरी को मनाई जाएगी, 14 फरवरी को वसंत पंचमी यानी माता सरस्वती का जन्मदिवस मनाएंगे, 14 फरवरी को हम लोग विशेष बच्चों के लिए निशुल्क सिद्ध दरबार लगाएंगे, जिनके भी छोटे बच्चे हैं और वो उनका पढ़ाई में उनको कोई भी समस्या आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है या उनके कुछ नंबरों से वो एग्जाम में रह जाते हैं या पढ़ाई में अच्छे थे अब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से अगर उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे आके अवश्य मिलें, निःशुल्क हम उनकी जन्म कुंडली देखेंगे 14 फरवरी को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। तो आप अपने बच्चों के साथ हमारी साधना स्थली पे जरूर आए और हम उनके लिए मंत्र सिद्ध करके आपको पेन पेंसिल और रजिस्टर भी प्रदान करेंगे। 20 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि कौन से ग्रह किस किस राशि में गोचर करेंगे फरवरी के महीने में, फिर जानेंगे कि इनके गोचर करने से हम पर क्या प्रभाव होगा। सूर्य जो है वो 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा महीने के पहले दिन यानी कि 1 फरवरी को तुला राशि में रहेंगे और महीने के अंत में गोचर करते हुए फिर से 28 फरवरी को तुला राशि में ही पहुंच जाएंगे। मंगल जो है वो 5 फरवरी को मकर राशि में बने रहेंगे, बुध जो है वो 1 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति मेष राशि में ही बने रहेंगे, शुक्र जो है वो 12 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, इन चारों का ट्रांजिट यानी कि परिवर्तन हो रहा है फरवरी के महीने में। तो चलिए जानते हैं ये सब हमें क्या प्रभाव देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली देख करके जो आपकी चंद्र राशि है उसके अनुसार ही आप इसको देखें, बेस्ट मैच करेगा। जिन व्यक्तियों को चंद्र राशि नहीं पता है तो या तो आप पहले चंद्र राशि पता कर लीजिए या नाम राशि के अनुसार भी आप इसको देख सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को ये कहते हैं कि कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आ रहा, चाहे ग्रह जितना भी आसमान में परिवर्तित हो रहे हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करा लीजिए, किसी भी योग्य विद्वान से चेक कराइए। हो सकता है कोई ऐसी महादशा बहुत लंबे समय से आपके साथ चल रही है या कोई ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में विशेष दशा के रूप में गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से आसमान में किसी भी ग्रह का परिवर्तन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर कोई बंधन कर दिया हो, कोई टोना टोटका ऐसा कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है जिसकी वजह से लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि उनके द्वारा कोई ऐसे गलत काम हो जाते हैं, गलत कर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी उनकी खराब हो जाती है। तो ये तो आपकी जन्म कुंडली देख के ही मुझे पता चलेगा कि उसमें क्या दोष है, क्या समस्या आ रही है। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो विशेष ये जो महीना है आपके भाग्य को प्रभावित करेगा और भाग्य को आपकी तरफ लेकर के आएगा, यानी कि भाग्य से आपको काफी कुछ मिल सकता है, काफी सपोर्ट इस समय में मिल सकती है, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ नया आपने काफी समय से सोचा हुआ है करने की, तो फरवरी महीना उसके लिए बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। इस समय में आपकी सोची हुई चीजें एकदम पूरी होने लगेंगी, जो कुछ भी आपने सोचा है वो आप इजीली अचीव कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा समय उन चीजों को लेकर के है। और भाग्य से विशेष साथ आपको मिलेगा, कुछ चीजें जो है, कुछ परेशानियां जो आपके साथ हैं उनको भी खोलने का, उस बंधन को खोलने का आपको तरीका मिल जाएगा, जो आपने खुद के लिए ही बांध रखी हैं।
आपको ऐसा लगता है कि जिससे आसपास के लोग आपको परेशान कर रहे हैं या उन्होंने आपको बांधा हुआ है जिसकी वजह से आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, लेकिन ये महीना आपको ये चीज सिखाएगा कि आप ही खुद एक ऐसा व्यक्तित्व बने हुए हैं, आप ही खुद ऐसे अपने लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं जिसकी वजह से आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। तो उसका सही निर्णय कि मुझे अब ये चीज करनी है, अपनी लाइफ को ठीक करनी है, वो निर्णय काफी लोग फरवरी के महीने में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों की PhD कंप्लीट होती हुई इस समय में मुझे दिखाई दे रही है, वो बहुत अच्छा उसमें समय है। अगर टीचर हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो आपको कोई सम्मान इस समय में मिल सकता है। जो लोग भी ऑफिस में उनके एम्प्लॉयज हैं या सीनियर्स हैं और उनके साथ आपका अच्छा नहीं बन रहा था, आपका उनके साथ समस्या चल रही थी, आपका मन मुटाव हो रहा था, आपकी वो बात समझ नहीं पा रहे थे या आप जो वो कह रहे हैं वो गलत उसका मीनिंग ले रहे थे, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक इस महीने में सॉल्व होती दिखाई दे रही है और उन विवादों से आप बाहर निकलेंगे और आपके सीनियर्स जो हैं, आपके अंदर का जो पैशन है, जो आपके अंदर की ज़ील है, आपके अंदर का जो एंथुजियाज्म है, जो हिम्मत है, ये सारी चीज़ों को वो पहचानेंगे और आपकी तरफ कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, कोई अपना अधूरा कार्य जो काफी समय से पेंडिंग चल रहा था, अधूरा चल रहा था, आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, इस समय में वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के सर में फरवरी के महीने में दर्द जरूर रह सकती है, लेकिन आप उसके लिए पहले ही उपचार करके रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी और खासकर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से नींद, अपने स्लीपिंग पैटर्न को एक ही जैसा रखेंगे तो भी आपको सर के दर्द में काफी आराम हो जाएगा। इस समय में आपके जो भी पार्टनर है वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे, बिल्कुल आपको रानी की तरह या राजा की तरह रखेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो वो बहुत अच्छा आपके लिए समय है, वहाँ से आपको काफ़ी सुकून मिलेगा अपनी पर्सनल लाइफ से और वहाँ से भी काफ़ी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। कुछ लोगों को अगर रीयूनाइट होना है, वो अपने पार्टनर के साथ वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के रिश्ते खराब हो चुके हैं, अगर आपके हस्बैंड से या वाइफ से या आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो टूट गया है, उस समय भी फरवरी के महीने में थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का रीयूनाइट भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की बातचीत वापस स्टार्ट हो सकती है, या आपका कोई चाइल्डहुड क्रश था, जो बचपन से आप किसी को पसंद करते थे, उनके साथ बातचीत आपकी बंद हो गई थी, उनसे अचानक से मुलाकात होना, उनसे मेल जोल बढ़ना, ऐसी चीज़ें भी फरवरी के महीने में आपके लिए हो सकती हैं। मेरा नाम पंकज है, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मैं गुरु माँ से लगभग 1 से 2 महीने पहले मिला था यहाँ पे आकर के और अपनी समस्या पर निदान जाना चाहता था, और आज फाइनली मेरा जो काम था, जॉब के प्रति मेरे कुछ सवालात और क्वेश्चन थे और वो पूरा हो गया। मैं यहाँ पे खुश हूँ, काफ़ी सेटिस्फेक्शन है हर चीज़ से यहाँ पे आने से, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और अपनी अपनी समस्याओं का निवारण लें। इस समय में आप अकेले ना रहें, अकेले रहना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको अपने ऊपर फील होगा, तो अकेलेपन से इस समय में बचें, सोशल हो, सोशलाइज करें। अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है तो उस नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास करें, आप किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट पैटर्न में ना जाएं, क्योंकि एक स्टार्ट होगा तो उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा वो स्टार्ट होता जाएगा, तो फिर वो आपको काफ़ी परेशान करेगा। और जैसे नींद की बात कर रहे हैं, नींद डिस्टर्ब होगी और फिर आपके सर में दर्द की समस्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए पहले ही कोई नेगेटिव थॉट किसी के बारे में भी आता है, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, अपने दूसरे कामों में लग जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोगों के लिए नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जो महीना है नए प्यार को लेकर के आ सकता है, और बिजनेस वालों के लिए एक नई पार्टनरशिप आपको मिल सकती है, खासकर अगर लीगल प्रोफेशन में आप हैं या किसी भी तरीके का आपका आयरन से संबंधित या काली चीज़ों से संबंधित कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको नई पार्टनरशिप मिल सकती है। पार्टनरशिप में भी कोशिश करिए, आप जितना ज्यादा देने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मुझसे जन्म कुंडली चेक कराने के लिए आप किसी भी गुरुवार को हमारे सिद्ध दरबार, जो कि हमारी साधना स्थली दिल्ली में लगाया जाता है, उस पर आकर के आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आप पूछते हैं गुरु माँ आपसे मिलने की क्या फीस है, कोई भी फीस हम नहीं लेते हैं। हमारे हिसाब से ज्योतिष विद्या जो है वो बेची नहीं जा सकती, ये केवल सेवा की विद्या है, तो इसीलिए हर गुरुवार को निःशुल्क हम दरबार लगाते हैं, ना केवल
आपकी जन्म कुंडली देख करके हम आपको ज्योतिष द्वारा कोई सजेशन देंगे, बल्कि हमने अपने 13 वर्ष की आयु से अब तक जो भी सिद्धि प्राप्त की है, जो भी भगवान की कृपा प्राप्त की है, वो भी हम आपको इस सिद्ध दरबार में प्रदान करते हैं। नारियल मंत्र सिद्ध करके देते हैं, फल मंत्र सिद्ध करके देते हैं, आपको जो भी वस्तु लाने के लिए कहा जाए वो आप लेकर के आए, उसे हम मंत्र सिद्ध करते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, ताकि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है हम उसका निदान कर सकें। तो जन्म कुंडली तो देखते ही हैं, साथ ही उसका समाधान भी करते हैं, और भगवान शनि देव की ऐसी कृपा है कि जो भी व्यक्ति सिद्ध दरबार में आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता है। लाखों के बने हैं काम जिसने लिया है शनि देव का नाम। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, इस महीने में माता सरस्वती की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आप सब अपने जीवन में ग्रोथ करते रहे, सक्सेस को प्राप्त करते रहे, यही हमारी इच्छा है। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।